गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, दिस इज़ योर फोर्थ वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। ओके, इसमें हम कपड़ों के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे फाइबर से हमारा पूरा फैब्रिक यानी कपड़ा तैयार होता है। ओके, इसमें पहले हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉमन नेचुरल फाइबर्स, यानी कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। ओके, जिसमें था कॉटन, लिनियन, जूट, सिल्क, वूल। ओके, और कॉर्न फाइबर जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था कि ये बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा मगर बहुत ही अच्छा फाइबर है, चीप है यानी सस्ता है, हमें जल्दी से दाग भी नहीं लगता, यूवी लेयर से बचाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं 7th यानी स्पाइडर सिल्क। अब स्पाइडर सिल्क क्या होता है? सिल्क इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क जो है बेटा वो ज्यादातर क्या है कि सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होता है, राइट? ये हमने अभी पहले ही पढ़ा था सिल्क वाले सेक्शन में कि सिल्क जो है हमारे सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। हाउएवर रीसेंट टाइम्स साइंटिस्ट्स हैव कम अप विद द इनोवेशन वेयर इन सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पाइडर्स। मगर आज के समय में साइंटिस्ट जो है वो एक नई इनोवेशन लेके आए, एक नया तरीका लेके आए जिसमें सिल्क जो है वो स्पाइडर से भी ऑब्टेन्ड हो सकती है। स्पाइडर मतलब समझते हो मकड़ी। एज अपोज्ड टू सिल्क वॉर्म, स्पाइडर प्रोड्यूस सिल्क एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू विच द प्रोसेस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल। और क्या है कि क्योंकि सिल्क वॉर्म के मुकाबले स्पाइडर जो है जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका भी है। स्पाइडर सिल्क इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वेटेड एप्रिल, यानी जो ये वाली स्पाइडर सिल्क जो होती है इसको हम लाइट वेट कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। कोयर फाइबर, अब ये कोयर फाइबर क्या होती है? कोयर फाइबर इज अ नेचुरल फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट ट्री। ये किससे ऑब्टेन होती है? हमारे कोकोनट ट्री से। कोयर फाइबर इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड इज हेंस आइडियल फॉर यूज फॉर रग्स, सैक्स एंड बुशेस। और कोयर फाइबर जो होती है बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए आइडियल होती है अगर हमें रग्स बनाने यानी थैले बनाने हैं, सैक्स बनाने हैं, ठीक है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। इफ़ द कोयर इज हार्वेस्टेड वाइल द कोकोनट आर टेंडर द फाइबर इज वाइट इन कलर, यानी अगर हम इस फाइबर को जो कोयर को है उसको तभी हार्वेस्ट कर लें जब कोकोनट ट्री आर टेंडर। टेंडर मतलब क्या होता है? यानी कच्चा होता है, यानी जब सॉफ्ट होता है, कच्चा होता है, तो फाइबर जो है वो वाइट कलर की निकलती है। हाउएवर इट इज ब्राउन कलर्ड इफ हार्वेस्टेड ऑन मैच्योरिटी, और जब वो पक जाता है अगर तब हम निकालेंगे तो ब्राउन कलर का निकलेगा। द कोयर इंडस्ट्री इन इंडिया इज लार्जली कंसेंट्रेटेड इन केरला, ठीक है, और जो कोयर इंडस्ट्री है वो ज्यादा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? केरला में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इज मेजर प्रोडक्शन ऑफ कोयर फाइबर, और इंडिया को छोड़ के जो श्रीलंका है उसमें भी कोयर फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। याक फाइबर, अब याक फाइबर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। द याक इज एन एनिमल दैट इज लार्जली फाउंड इन हिमालयाज इन इंडिया एंड तिब्बत। और याक जो है एक एनिमल होता है, पढ़ते हो ना वाइफ ऑफ याक, तो वो जो एक एनिमल है हिमालयाज में, इंडिया में और तिब्बत में पाया जाता है। द हेयर ऑफ द याक इज वेरी यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर्म क्लोथ्स, और याक के जो बाल होते हैं शीप की तरह बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और गर्म कपड़े बनाने में मदद करते हैं, मैट्स बनाने में, सैक्स यानी थैले बनाने में। दिस इज बिकॉज इट्स क्वालिटीज सच एज वॉर्म्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है इसीलिए। याक फाइबर इज यूजुअली फाउंड इन ब्लैक, और याक फाइबर जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है एंड पाइबॉल्ड होती है वो। द रेयर केस, इन रेयर केसेस वाइट याक हेयर इज ऑल्सो ऑब्टेन, और रेयर केसेस में यानी किसी केसेस में हम सफ़ेद कलर के जो हेयर होते हैं वो भी ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस फाइबर हैज़ बीन यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सिंस लॉन्ग, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ों के इंडस्ट्री में बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। सिंथेटिक और
मैन मेड फाइबर, यानी वो फाइबर जो सिंथेटिक है या फिर मैन मेड है, ऐसे फाइबर जो नेचर ने हमें नहीं दिए, हमने खुद बनाए हैं। मैन मेड फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू ह्यूज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्लूडिंग गार्मेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्फ्स एंड हॉजरी। यानी क्या है, मैन मेड फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, कपड़ों में यूज होता है, शर्ट्स में यूज होता है, स्कार्फ्स में यूज होता है, होम फर्निशिंग में यूज होता है, ठीक है, कारपेट्स में यूज होता है, इन सब में जो है ये हमारा मैन मेड फाइबर या जो सिंथेटिक फाइबर है उसका इस्तेमाल होता है। एंड द इंडस्ट्रियल पार्ट सच एज टायर कोर, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग एंड ड्राइव बेल्ट्स, ड्राइव बेल्ट जो होती है, इन सब में भी सिंथेटिक, जो बेल्ट लगाते हो ना आप, इन सब में भी सिंथेटिक फाइबर का ही इस्तेमाल होता है। मैन मेड फाइबर आर यूज डेली, और मैन मेड फाइबर जो है वो डेली इस्तेमाल हो सकता है, एंड आर डेली लाइफ वुड लुक क्वाइट डिफरेंट विदाउट मैन मेड फाइबर। और अगर हम मैन मेड फाइबर इस्तेमाल ना करें तो हमारी डेली लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा अलग दिखेगी। देयर इज नॉट, दीज आर नॉट ओनली यूज इन ऑल काइंड ऑफ टेक्सटाइल और अपरेल, यानी सिर्फ कपड़े में ही इस्तेमाल नहीं होती, बट ऑल्सो इन वाइड रेंज ऑफ टेक्निकल एप्लीकेशन, और टेक्निकल एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी, यानी रोड एयर, वुड बी क्वाइट डिफरेंट एंड प्रिमिटिव इफ नो मैन मेड फाइबर वर यूज, यानी अगर रोड है, ट्रांसपोर्ट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग दिखेंगे अगर हम मैन मेड फाइबर का इस्तेमाल नहीं करें। अब आपको बेटा यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंस दिया हुआ है नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर में, कि क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है मैन मेड फाइबर का और नेचुरल फाइबर का, दोनों दिए हुए हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू वी गेट फाइबर फ्रॉम यार्न, यानी यार्न से हमें फाइबर कैसे मिलता है। सबसे पहले यार्न टू फाइबर, देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, कई सारे तरीके हैं कपड़े को बनाने के यार्न से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग, सबसे दो तरीके क्या है, वीविंग और निटिंग, यानी ये या तो बुनो या इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीविंग, ठीक है, जो मशीन में कपड़े धागे लगा लगा के एक कपड़े का डिजाइन बनाते हैं, वीविंग। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, यानी दो सेट कपड़े के, दो सेट होते हैं यार्न के, सॉरी, ये देखो एक ऊपर धागा लगा हुआ है, एक नीचे धागा लगा हुआ है, ऐसे दो सेट्स होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, उनको साथ में बुना जाता है, उसको बोलते हैं, ताकि वो कपड़ा बन जाए, उसको बोलते हैं वीविंग, ठीक है। यानी ये मशीन लगा रखी है, अब यहाँ पर कपड़ा बनता जा रहा है, इनको ये धागे लगाए हुए, तो इनको मिला मिला के एक डिज़ाइन ये कपड़ा बनाया जाता है। निटिंग आपको पता ही है, सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में आपकी मम्मी, दादी, चाची स्वेटर बनाती हैं, तो जिस मेथड से वो बना रही होती हैं, दो सिलाई लेके क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उससे जो बुनती हैं उसको निटिंग बोलते हैं। द निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, एक ही तरीके का यार्न इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी गोला, जो आप कपड़ों का गोला यार्न, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो कपड़े जो गोला होता है धागे का वो, ठीक है। अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कॉन्टीन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरिवील्ड, और उसको एक दूसरे में मिला मिला के, एक दूसरे के अंदर बुन बुन कर उसको बनाया जाता है, सॉक्स बनती हैं, और कई अलग तरीके के कपड़े जो है हम नीटिंग के तरीके से बनाते हैं। आपको पता ही है सर्दियों के सारे कपड़े, स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गई, कैप हो गई, ये सब हम लोग नीटिंग करके ही बनाते हैं, आपकी दादी चाची सब बना के देते होंगे ना, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बेटा, ये फाइबर टू फैब्रिक यहीं पर फिनिश होता है।